एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सॉरी, और कैसे हो आप सब? वेल, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। थोड़ी सी बीमार पड़ गई हूँ। एक्चुअली मुझे कोल्ड हो गया था, सर्दी जुकाम, कान बंद, नाक बंद, गला बंद, सब बंद बंद हो गया था। और अभी फिलहाल ये अमृतसर में बहुत गर्मी पड़ रही है, 44 डिग्री टेम्परेचर हो गया है, रोज ही हो रहा है। वेल, चलो फिर भी सर्दी और गर्मी तो लगा ही रहता है। आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपके वहाँ कितना टेम्परेचर है। यहाँ पर तो बहुत गर्मी हो रही है और सबकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है। बट चलो एनीवेज, और अभी सुबह के 10 बजने वाले हैं मॉर्निंग के, और आज मंडे हैं और हमारे काम वाले आंटी नहीं आ रहे हैं, तो आधे घर में झाड़ू लगा लिया है और आधे घर में भी लगाना है, और फटाफट से सारा काम निपटाना है। और आज हमारे ना घर के पीछे गुरुद्वारा है, तो उस गुरुद्वारे में ना कंपटीशन कर रहे हैं। उसमें मतलब एज लिमिट है, और मतलब एज लिमिट के हिसाब से किसी ने वाहेगुरु जी बोलना है, किसी ने कुछ गुरबानी बोलनी है, किसी ने जपू जी साहिब की पौड़ियाँ बोलनी है। तो गली के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो 12 बजे है, मेरी लक्की भी कर रही है पार्टिसिपेट, तो देखते हैं। आज गुरुद्वारे जाना है, और आज हमारे इस ये जो दीवार है ना, इस दीवार के एग्जैक्ट इसी दीवार के साथ पीछे रौनित का घर है, वो हमारे नेबर्स हैं। तो इस दीवार के एग्जैक्ट पीछे तो रौनित का आज बर्थडे है, तो आज उसके बर्थडे की सेलिब्रेशन भी हम लोग करेंगे। तो आज का दिन तो बहुत अच्छा जाने वाला है, गर्मी में काम मजा हम आज पूरा पूरा लेने वाले हैं, लुत्फ उठाने वाले हैं। सो आज का दिन मैं आपके साथ सारा शेयर करूंगी, तो बने रहना मेरी वीडियो में और एंड तक जरूर देखना। तो अब मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, पोछा भी लगा लेती हूँ बिकॉज गर्मी है, और फटाफट से तैयार होके आपसे मिलती हूँ। हाँ, वेलकम बैक। सो मैं हो गई हूँ तैयार, और फटाफट से अभी शायद 11:30 हुए हैं। एक्चुअली मेरे रूम की वॉच खराब है, उस पर रात के 2 ही बज रहे हैं। सो मैंने भी पर 11:30 बज गए हैं, और मैं तैयार हो गई हूँ। बस कंघी करनी है मुझे, एक्चुअली गर्मी बहुत है। सो मैंने कहा जाने से 5-10 मिनट पहले मैं कंघी कर लूँगी। और हाँ, शिट, सनस्क्रीन अप्लाई करना भूल गई। चलो अब कर लूँगी ऊपर से। और मैंने ये कुर्ता डाला है, ये है फ्रॉक टाइप में है, नीचे ब्लू लेगिंग है, और ये दुपट्टा एक्चुअली इसके साथ नहीं है, मम्मी के सूट के साथ का है, लेकिन ये ना इसके एम्ब्रॉयडरी के साथ मैच कर रहा है ये, और लेगिंग के साथ भी। सो मैंने यही डाल लिया, ये थोड़ा बहुत हल्का सा लाइट वेट दुपट्टा है। और ये इयररिंग्स ना, लक्की और मम्मी आगरा घूमने गए थे अभी मार्च अप्रैल में, सो वो लेकर आए थे, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ, सो मैंने यही डाला है। और अभी सभी बच्चों को इकट्ठा करना है और फिर गुरुद्वारे जाना है, और देखते हैं वहाँ पर बहुत मजा आने वाला है यार। गुरुद्वारे जाकर बहुत शांति मिलती है, और आज का दिन वैसे भी बहुत बिजी होने वाला है। वहाँ से हम आएंगे शायद 2:30 बजे, उसके बाद घर पे काम होगा, रौनित के बर्थडे के लिए बाजार जाना है, केक लेकर आना है, मम्मी के सूट इंटरलॉक होने को दिए वो दिन लेकर आना है, और कल फिर घूमने जाना है। वाव, मजा आने वाला है। चलो फिर बने रहना मेरे साथ, हम जा रहे हैं, हम अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रहे हैं। यार हाय कह दो सारे पीछे मुड़ के, और शौर्य बाय बाय। Oh, oh, oh.
गुरुद्वारे से 2 बजे तक हम वापस आ गए थे और बहुत गर्मी लग रही थी आते लगी धीरे आते खाना पीना खा के हम लोग थोड़ा रेस्ट करने लगे और अभी अंदर टीवी चल रहा है, बाहर बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं और हम जा रहे हैं मैं और रिद्धि रौनित का बर्थडे केक लाने। और भी मार्केट में छोटे मोटे काम है, तो अभी 6:30 बज गए हैं, मार्केट में छोटा मोटा काम है तो वो भी काम करेंगे और इसी के साथ साथ केक भी ले आएंगे, चलो साथ में। सो बर्थडे बॉय, ये आ गया हमारा बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे रौनित, थैंक यू, और सारे कमेंट्स करके इसको विश करना। और अब हम जा रहे हैं रौनित की बर्थडे सेलिब्रेशन करने, उसको केक कटने दे, केक कटने दे फिर। केक पे गिरे उसको, रिद्धि को खोलना पड़ता है। Yeah, I'm gonna be a little bit.